कोटा देश का अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां 6 प्रकार से बिजली बन रही है। बिजली के क्षेत्र में कोटा न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि यहां से बिजली सप्लाई भी की जा रही है। कोटा में न्यूक्लियर पावर से लेकर हाइड्रो पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, गैस, बायोमास और सोलर प्लांट से भी बिजली उत्पादित की जा रही है। यहां कोयले के 6,080 मेगावाट बिजली के प्लांट स्थापित हैं। मौजूदा कोयला संकट और बिजली कटौती के दौर में कोटा ही ऐसा एरिया है जो बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है और दूसरे इलाकों को बिजली सप्लाई भी कर रहा है। जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग में बिजली के मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर जो राजस्थान का ये डिवीज़न है वो है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर भी मिल रही है, इधर से कोयले से आधारित पावर हाउस भी हैं, यहाँ पर हाइड्रल पावर भी है, बायोफ्यूल के भी प्लांट हैं, 3 प्लांट हैं, एक तो छिपा बड़ौद में पछाड़ में है, एक भंवरगढ़ में है, एक रंगपुर में है। तो ये तो सभी लोगों को पता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। न्यूक्लियर की 8 यूनिट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो हाइड्रल की 4 यूनिट हैं, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, मांगरोल है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर आर के जीनवाल ने बताया कि कोटा में सोलर एनर्जी का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर के थ्रू कई इंडस्ट्री में भी सोलर के नेट के प्लान लगे हुए हैं और इसके अलावा नेट मीटरिंग के थ्रू जो हमारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं उनके भी सोलर रूफ टॉप लगे हुए हैं, उनमें लगभग 22 लाख यूनिट जनरेशन हो रहा है और उनका ही वो उपयोग खुद ही कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट की क्वांटिटी उसमें कम है। कोटा संभाग में 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा आते हैं। इन संभाग इसके अंदर सभी जिलों के अंदर के कई मिला के बताया कि 22 लाख यूनिट के लगभग सोलर का नेट मीटरिंग के थ्रू जनरेशन है और वो लगभग खुद ही उसका यूज कर। सूर्या चंबल बायोमास प्लांट के CFO गिरीश अग्रवाल ने बताया कि बायोमास रिन्यूअल पावर एनर्जी है, यानी किसान खेत में जो भूसा जला देते थे उसे यूज करके प्लांट में बिजली बनाई जा रही है। रिन्यूअल पावर एनर्जी है, ये रिन्यूअल पावर एनर्जी ऐसा होता है कि जो आज एग्रो वेस्ट है जिसको अपन बोलते हैं बायोमास, वो किसान खेत में जो जला देते थे इसको यूज करने के लिए सरकार का एक इनिशिएटिव था और उसके तहत ये प्लांट बने हैं। इनमें हम कोल की जगह पे जो बायोमास है उसको यूज करते हैं, जो कि किसान अनसिस्टमेटिक रूप से खेतों में भूसा जला देते थे उसकी जगह अब हम सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इसको जला कर इसको यूज कर रहे हैं और उससे विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। प्लांट है 7.5 मेगावाट का है और इससे लगभग हम 500 लाख यूनिट प्रतिवर्ष सरकार को दे रहे हैं। कुल मिलाकर कोटा को अगर पावर का हब कहा जाए तो कम नहीं होगा। विविध तरीकों से यहां बिजली पैदा की जा रही है। बिजली संकट के इस दौर में कोटा पूरे देश को राह दिखा सकता है। ETV भारत के लिए कोटा से मनीष गौतम की रिपोर्ट।